लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और साथ ही साथ कई और गाइडलाइंस भी सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। और इसी के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि जितना हो सके अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के आप घर से बाहर ना निकलें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। लेकिन इस कोरोना संकट के बीच कई ऐसे दवा दुकानदार हैं जो खुद रातों रात माला माल करना चाहते हैं। जी हम बात कर रहे हैं पटना की सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड की, जो दवा दुकान है वहाँ की, जहाँ पर नकली सैनिटाइजर और इस्तेमाल किए हुए मास्क का खिलवाड़ चल रहा है। आपको बता दें कि पटना की सबसे बड़ी मंडी गोविंद मित्रा रोड, जहाँ थोक में दवा मिलती है, वहाँ पे ड्रग्स विभाग की ओर से छापेमारी की गई है और इस छापेमारी में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जब ड्रग्स विभाग की ओर से वहाँ छापेमारी की गई तो जो जानकारी मिली है वो चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि वहाँ भारी मात्रा में मास्क थे और ये मास्क इस्तेमाल किए हुए हैं। और इस्तेमाल किए हुए मास्क किसी भी इंसान के लिए जान जोखिम में डालने के बराबर है। अगर आप इस्तेमाल किए हुए मास्क लगाते हैं तो कोरोना संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो वहाँ पे सैनिटाइजर छापेमारी में मिले हैं उस पर लिखा हुआ था नॉट फॉर सेल, यानी वो सैनिटाइजर भी सही नहीं है। तो ये जो कोरोना संकट है, लोग अपनी जान बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस संकट में भी कई ऐसे व्यापारी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला बिहार की राजधानी पटना से आई है, जहां पे सबसे बड़ा दवा मंडी विक्रेताओं के पास नकली सैनिटाइजर और इस्तेमाल किए हुए मास्क बरामद किए गए हैं, जो सबके होश उड़ा दिए हैं। आपको बता दें कि अगर आप इस तरह के मास्क इस्तेमाल करते हैं तो आपके संक्रमण का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए लगातार अब प्रशासन अलर्ट हो गई है, लगातार उन दुकानों में छापेमारी की जा रही है जहां इस तरह के इस्तेमाल किए हुए मास्क बेचने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि दुकानदार पैसे के लालच में लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि ये खतरनाक खेल बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी व्यापारियों के द्वारा खेली जा रही है। तो आपसे लगातार अपील की जा रही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन इस तरह जो खिलवाड़ राजधानी पटना में हो रहा है, अब उससे तो बस यही कहना होगा कि जितना हो सके घर के मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को साबुन से धोएं और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आप अपनी बचाव खुद ही कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।